सिंधुआ बाहर निकली, निकल के औरंगाबाद खालसा के गांव के तरफ वो चल पड़ा। जब तक हमारी टीम पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती तो गांव वाले काफी उसे घेरने लगे हैं और उसमें अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। उस अफरा तफरी के माहौल में ये गांव में एक छत से दूसरी छत तक वो कूदता हुआ चला गया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम को बिल्कुल आगे वहाँ पर आने नहीं दिया गया है। इस बीच में हमको पता चला करीब 7:30 बजे के बीच में उस तेंदुए को गोली मार दी गई है और वो वहाँ पर एक स्थानीय किसी निवासी है शरीफ खां के घर के किचन में से ये हमको बरामद हुआ है। वर्तमान में वो इसकी पोस्टमार्टम डॉक्टर्स के पैनल है इसके द्वारा किया जा रहा है। इस तेंदुए की जो घटना में वन विभाग की ओर से केस इजरा किया जाएगा। केस की जांच हमारे SDO अवध वन प्रभाग हैं श्री अयोध्या प्रसाद को ये सौंपी जा रही है। PCCF वाइल्ड लाइफ ने ये भी निर्णय लिए हैं कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और पिछले एक माह के कार्यकाल में हमने देख रखा है लखनऊ शहर में 2 तेंदुओं की घटनाएं हुई हैं। इस प्रकार की घटनाएं किस कारण से हो रही हैं, उसमें हम लोगों को वन क्षेत्रों में किस तरह के हैबिटेट मैनेजमेंट हमको करनी चाहिए, हमारे रेस्क्यू टीम को किस तरह से हमको इक्विप करनी चाहिए, डिफरेंट स्टेट्स में जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस आज के डेट में रेस्क्यू ऑपरेशंस के उपलब्ध हैं उनको किस तरह से हम लोग यहाँ पर हम लोग रिप्लिकेट कर सकें, इसके संबंध में PCCF वाइल्ड लाइफ ने एक समिति गठित किया है जिसमें मैं के प्रवीण राव चीफ कंजर्वेटर लखनऊ मंडल, श्री आर के सिंह डायरेक्टर लखनऊ जू दोनों में सदस्य हैं। इसमें हम अध्ययन करके एक रिपोर्ट PCCF वाइल्ड लाइफ को उपलब्ध कराएंगे जिसके आधार पर जो भी इम्प्रूवमेंट्स इसमें होंगे वो इम्प्रूवमेंट्स फ्यूचर में किए जाएंगे। ये हमारे तरफ से जो भी वक्तव्य है, अगर आपको कोई प्रश्न हो। वन आफ्टर द अदर देखो प्रेजेंटली हमारे पास क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं, कई तरह के लोग बताते जा रहे हैं। जब तक हम लोग ठोस तौर पे मौके पर जांच नहीं करेंगे, मौके पर हम लोग बयान हम लोग दर्ज नहीं कराएंगे, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में टिप्पणी करना इस समय संभव नहीं है। जब एक बार हमारे जो जांच अधिकारी वहाँ जाएगा, मौके पर लोगों के बयान भी दर्ज कराएंगे, उसके बाद ही हम लोग टिप्पणी करेंगे। इट मींस जो लोग मीडिया में क्लेम कर रहे हैं आखिर मैंने आई शॉट द गन, आई शॉट द 3 बुलेट्स, या तो फेक बोल रहे हैं या फिर वो आपको बताना नहीं चाहते, इसको क्या समझा जाए? हमने आपसे ये कुछ नहीं कहा, हमने सिर्फ यही कहा कि चूंकि हमारे जो जांच अधिकारी जब तक इसकी पुष्टि नहीं करेंगे हम लोग सरकारी तौर पर वक्तव्य जारी इस पर नहीं कर सकते। अभी आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ नहीं आया होगा? अभी चल रही है पोस्टमार्टम, चल रही है समथिंग। अब अगर उसमें हमें कुछ बॉडी में बुलेट्स मिलते हैं, डू वी हैव काइंड ऑफ बैलिस्टिक रिपोर्ट? डेफिनेटली हम लोग इसके बाद हम लोग पूरी तरह से जांच में, जांच अधिकारी करेगा, जांच के बाद जो जो उसमें निकलते जाएंगे उसके आधार पर जो भी अपना जांच जो रुख तैयार करेगा वो सारी चीज हम लोग करेंगे। घटना की एफआईआर कराएंगे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास खुद ही एफआईआर करने का अधिकार है। इसी कारण से कहते हैं शुरुआत में हमारी निश्चित तौर पे केस, अरे अज्ञात के खिलाफ करा ही सकते हैं ना शुरुआत में? बिल्कुल अज्ञात के खिलाफ कराएंगे, अज्ञात से स्टार्ट होगा फिर इंक्वायरी स्टार्ट होगी। इंक्वायरी जो बात आ रही है कि सीनू ने गोली मारी जो जब वो उनपे हमला कर रहा था या जो भी है, तो क्या वो आपके हिसाब से सही है, उन्होंने सही किया या नहीं किया? बेसिकली देखिए उसके बाद जब उनसे पता करेंगे, उनका बयान दर्ज करा लेंगे, तभी हम कोई टिप्पणी करने की स्थिति में रहेंगे। वो ऐसी कौन सी परिस्थिति, अगर आप कह रहे हैं उसी को हम सही मान के चले कि CO ने गोली मारा या पुलिस ऑफिसर ने गोली मारा, तो जब उनसे हम लोग वक्तव्य दर्ज कराएंगे तभी हमको पता चलेगा कि उनको क्या परिस्थितियां रही हैं जिसके आधार पर उन्होंने किया है। अब इस समय जो भी कह रहे हैं कि इट्स ओनली उनकी व्यक्तिगत, कोई बयान मेरे ख्याल से टीवी में अभी तक नहीं आया कि मैंने गोली मारा, उनको भी पासवान कर दे जो भी आपके पास वीडियो चल रहा है, नहीं जो भी वीडियो एविडेंसेस आपके पास हो, उनको उनके ऊपर हमला किया है उसने और सर पे लगी है और बोल रहे हैं ना कि
सर एक तस्वीर और सामने आई है हमारे पास, इस समय तुरंत सूचना नहीं चुकी, हम लोग लगातार सवेरे से ही इसमें इन्वॉल्व है पूरी तरह से। सर एक तस्वीर और सामने आई है, छत पे जो है एक बंदा रिवॉल्वर लेके खड़ा था, तो वो कौन था? बिल्कुल एक बार जांच हो चुकी, इस समय फॉरेस्ट टीम को आगे आने ही नहीं दे रहे थे। SDO, do you regard SDO as an officer or not? But as boss, do you admit that there were lapses in the part of the forest? आखिर वहाँ टीम मौजूद थी, फिर आज सामने क्यों नहीं आई, फिर एक्शन क्यों नहीं ले पाए, आखिर इसका क्या कारण है? आप करें वहाँ मौजूद थे, तो बेसिकली लैंड ऑर्डर इज नॉट अवर। पुलिस अधिकारी से डीजीपी तक बात नहीं गई बार भी, जिससे किससे बात करनी चाहिए? अरे डीजीपी क्षेत्र अधिकारी किसी अधिकारी से बात करनी चाहिए, डीजीपी से या क्षेत्र अधिकारी से, जो भी होता है। मतलब आपकी तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया है कि स्थितियों को बचाया जा सके? आप बताइए, आपके पास जाल था, आपके पास कितने, आप जो कितने लोग तैनात थे आपके वन विभाग के अधिकारी, यही बताइए, संख्या नहीं मालूम होगी? नहीं, संख्या क्यों नहीं मालूम, आप बताइए, अंदाजा बताइए कितने लोग? चार टीम हमारे हर पूरी रात भर वहाँ रहती है। उसके बाद निगरानी तोड़ कर तेंदुआ भाग गया? नहीं, निगरानी तोड़ने का भाई, वो तेंदुआ कैसे निकल जाएगा? आप निगरानी जिस हिसाब से निकला है, वो तीन लेयर थी, उसमें तीन लेयर लगी थी जाल की, तीनों लेयर को काट के वो निकला है, तो कहीं ना कहीं चूक तो हुई है ना, बेसिकली या तो नेट लगाने में। एक एक प्रश्न हो तो मैं जवाब देते जी, किसका पहले दे देगा आप डिसाइड कर लीजिएगा आपका। अगला आप ले अब आप जी, जो नेट से निकला है, तीन तीन लेयर को काटने के बाद निकला है, तो क्या वहाँ पे बेसिकली जो भी फेंसिंग वहाँ क्रिएट की गई है, जू का एंक्लोजर क्रिएट करना संभव नहीं है मौके पर। वहाँ पर जो भी फेंसिंग क्रिएट की जाती है, दैट विल बी ए साइकोलॉजिकल फेंस। साइकोलॉजिकल फेंस भी हम लोगों ने दो से तीन लेयर के बीच में रखने के पीछे यही है कि जब भी कोई अटैक करने के मोड पे आ जाए, तो वी विल गेट दैट मच ऑफ टाइम गैप, ताकि हम वहाँ के आसपास में जो भी जनता वहाँ पर मौजूद है, उनको हम सुरक्षित वहाँ से हटा सकते। थी भी नहीं, इसी कारण जनता थी नहीं, मेरे पास आपने जिस सुरक्षा के लिए लगाया था वो तो हुआ ही नहीं। चार से पांच लोगों को, अरे शिवानी जी, चार से पांच लोगों को घायल कर चुका है, जिसमें से एक इंटर का छात्र है, जिसका आज पेपर नहीं। कहाँ पर ये, अगर मेरा वही कहना है कि चूंकि आपके माध्यम से हमको ये मैसेज निश्चित तौर पर जानी चाहिए कि जब भी कोई वाइल्ड एनिमल निकलती है, उसको ग्रामीणों ने चारों तरह से घेर लेते हैं। अल्टीमेटली जितनी हम लोग उससे डरते हैं, उतनी ही वो हमसे डरते हैं। ठीक है, इसी कारण से वो अटैकिंग मोड पे आ जाता है। अगर ये जागरूक भी नहीं कर पा रहा लोगों को कि वो एनिमल से कैसे ट्रीट करें, जागरूक हमारे एक सीमित संसाधन है। हाँ तो ये बात है, जाल लगाए थे वो भी फटे थे पिछले पिछले एक महीने से, जब आप खुद बता रहे हैं कि हलचल ज्यादा हो गई है, मिला चिन्हट के पास दो क्षेत्रों में मतलब सूचना मिली, उसके बावजूद यहाँ पे संसाधन नहीं मुहैया कराए एक महीने में भी। अल्टीमेटली जो भी संसाधन है, सारे विभागों से निश्चित तौर पर उन्होंने पूल किया है संसाधन भी, तो जैसे एक महीने पहले निकला तो क्या आपने कोई लिखित संसाधन बढ़ाने की मांग की कि भाई हमारे पास संसाधन कम है, इस तरह की घटना अगर लगातार होगी, दुबग्गा में एक महीने पहले पकड़ा गया तो अभी क्यों नहीं कर पाया? जिस तरह की आज जो निकली है वो एक टिपिकल एरिया थी, हर बार सर दुबग्गा वाला टिपिकल एरिया नहीं था सर, जहाँ पे रेस्क्यू किया था सर। सर एक क्वेश्चन, एक महीने डेढ़ महीने का समय में नहीं कर पाए। आपका कहना है कि ग्रामीणों की वजह से वो लेपर्ड जो था वो भागने रहा और घायल करता रहा, क्या लखनऊ पुलिस से क्या फोर्स का डिप्लॉयमेंट आपको पूरी तरीके से मिलेगा, क्योंकि 48 घंटे हो गए थे, क्या लखनऊ पुलिस की तरफ से संसाधन आपको नहीं मिले, मैन पावर नहीं मिली, फोर्स का डिप्लॉयमेंट नहीं मिला? इसको भी पूरी तरह से नकार नहीं सकते, क्योंकि पुलिस हमारे पास हमेशा वहाँ मौजूद रही है। ठीक है, मगर आज जो सवेरे की बात थी, अगर सवेरे पुलिस हमको वे निकाल के दे दिया होता, निश्चित तौर पर हमारे डॉक्टर साहब वहाँ पर मौजूद थे, ट्रैंकलाइजिंग गन हमारा मौजूद था वहाँ पर। ठीक है, हमको उस समय वे मिल गया होता प्रॉपरली, चूंकि हमारे स्टाफ चूंकि लैंड ऑर्डर से निपटने की स्थिति में हम लोग नहीं रह पाते, छोटी मोटी घटना को निश्चित तौर पर निपटाते, क्योंकि हमारा भी ट्रेंड फोर्स होती है, जंगल के अंदर हम लोग छापे भी मारते हैं, मतलब हम उसी सीमा तक कर सकते हैं, मगर एक पूरी तरह से गांव की
भीड़ को नियंत्रित निश्चित तौर पर नहीं कर पाए। सर आप पुलिस का वन विभाग का तालमेल ठीक नहीं था, इसलिए तेंदुए नहीं, ऐसा नहीं कह सकता। वन विभाग की लापरवाही के चलते तेंदुए जान गए। व्होज रिस्पांसिबिलिटी अल्टीमेटली इट इज कि लेपर्ड मर गया, कौन से विभाग का? वो जांच के बाद ही निकल के सर वन विभाग की लापरवाही है नहीं है कोई सवाल दीजिए सर। 7:30 बजे शॉट किया गया, गोली चली, अभी 13 बज गया, 6 घंटे हो गया, होल यूपी जान रहा कि हु शॉट द गन, किसने मारा, कौन मारा, किसका फेलियर था। बट सबको आप एज ए टॉप ऑफ अभी आप विभाग के मुखिया हैं लोकल लेवल पर, अवध पर वन प्रभाग के, और क्या आपके अफसर आपको नहीं बता रहे हैं या एक सुबॉर्डिनेट आपके जो एसओ होते हैं वो आपको ब्रीफ करना नहीं चाह रहे हैं कि साहब इन्होंने गोली मारी, उन्होंने गोली मारी, कोई तो बताएगा? तो सारा क्रेडिट पुलिस ले ले रही है, 50,000 का इनाम दे दिया आईजी ने, मतलब आप क्या जांच के बाद ही पता चलेगा कि वो पुलिस बोलती है जांच परमिशन नहीं थी तो फिर कैसे शूट कर दिया जब वो कमरे में बंद हो गया था किचन में? जांच के बाद ही पता चला। सर अच्छा उस सीट में वन विभाग का कोई अधिकारी नहीं था जब उसको अंदर किचन में बंद किया और गोलियां मारी जो वहाँ पे मौजूद वन विभाग को? दैट मीन्स ऑपरेशन वाज कम्प्लीटली ओवरटुक बाय पुलिस। सर ये भी क्या क्लियर नहीं है कि क्या गोली जो है प्राइवेट मतलब सरकारी डिवॉल्वर से या किसी और से? सर कितनी गोलियां लगी होंगी? तीन गोलियां। तीन जगह पे घाव नजर आ रहे हैं, तीन जगह पे घाव नजर आ रहे हैं उसके बाहर से देखने पर, तो पोस्टमार्टम में जो भी निकलता है पहले उसके जो भी निकलते हैं उसके आधार पर बता फिजिकली बता सकते 2-3-1 जो भी है पोस्टमार्टम के बाद ही पता चले जब पहले से निकल आते हैं। एक सर क्वेश्चन की फ्रॉम द फर्स्ट डे जाल लगाया जा रहा था, जैसे सरसों के खेत में लगाया जा रहा था, जाल की कमी हुई, जो बैरिकेटिंग जाल से लगाई जा रही थी उसको कम किया गया, उसकी वजह से तेंदुआ भागा, तो क्या वन विभाग के पास जाल की और संसाधनों की कमी थी जिसके बाद ये तेंदुआ भागा? क्या आप मानते हैं वन विभाग के पास उन चीजों की कमी थी? देखिए इस तरह की सिचुएशन को बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया गया था पहले, क्योंकि इससे पहले जब भी हमको घटनाएं मिली हैं वो कहीं ना कहीं कोई किचन में घुसा मिला, कोई गुजरखाने में उसके मिला, कोई कमरे के अंदर मिला। ये कल वाली जो सिचुएशन थी या जो दो दिन से पहले की जो सिचुएशन थी वो टिपिकल सिचुएशन है। सर तीन गांव में जो आतंक है 15 दिन से वो सिचुएशन तो इससे ज्यादा खतरनाक थी, गोहलिया और जो गौर की, तो वहां से अंदाजा नहीं लगा सर हम लोगों को वहां किचन में घुसा था? किचन जब भी किचन में घुसती है तो हम लोगों के कंट्रोल सिचुएशन में रहेगा, कंट्रोल सिचुएशन जब भी रहती है। सवाल ये उठता है कि अगर तेंदुए की मौत पुलिस की गोली से हुई है तो किसके ऊपर शिकंजा कसेगा, किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, पुलिस विभाग को या वन विभाग, कौन सस्पेंड होगा? बेसिकली जबकि नाम है उसका और SHO का 50,000 का इनाम कर दिया आईजी ने, तो आपके सामने सब कुछ प्रूफ है कि हाँ FIR होनी चाहिए उसके खिलाफ? इसके लिए देखिए FIR तो ऑलरेडी लॉन्च होगी, लेकिन अज्ञात क्यों होगी जब ज्ञात इंसान है? एक बार प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगा, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में जो जो नाम निकलते आज वो सारे नाम से जुड़ेंगे। यू टोल्ड कि आपने बताया कि एक मिनट सवाल ये बताइए FIR दर्ज करेगा कि नहीं? बनी बात सीधे मौत हुई है, बिल्कुल दर्ज होगी FIR, लेकिन अज्ञात आफ्टर स्टार्टिंग क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर हमको डेड बॉडी मिली है, ठीक डेड बॉडी मिली है जिसके लिए PCCF वाइल्ड लाइफ का कोई परमिशन नहीं था। ओके आपने क्लियर कर दिया सर, आपको किचन में डेड लेपर्ड मिला, ब्रॉड डेड मिला, ब्रॉड डेड इज ऑलमोस्ट डेड इन किचन इन डेड, इसमें केस तो दर्ज हो गई होगा बिकॉज इट इज नॉट बट अगेंस्ट अनोन टू स्टार्ट विद। अच्छा फर्स्ट डे मैंने हम लोग टॉप एंगल में थे बिल्डिंग के ऊपर, 2 मिनट के लिए निकले थे तो हम लोग बहुत फोटोग्राफ्स ले चुके, मैंने वहां पे था, लेकिन उस समय कोई ट्रायंगुलेस करने आता तो आराम से मार सकते। मुझे बताइएगा कि आप जिस तरह की सिचुएशन वहाँ पर है, ठीक है, जब उसको ट्रायंगुलेस करने के बाद ट्रायंगुलेस वो नेट पे एक और फंस गया था 1 मिनट के लिए, वो लेपर्ड रहे थे, उस समय आप लोग आराम से मारते छत के ऊपर, इतनी देर में आपने प्रॉपरली फोटोग्राफ नहीं खींच पाए होंगे? ना फोटोग्राफ खींचा, आप ये कह रहे हैं कि हम किसी चीज को ट्रायंगुलेस कर ले? फोटोग्राफ हम 8-10 खींच चुके हैं, नेट में लेपट चुके हैं, मारते तो आपको टाइम मिला था। सर एक कोई टाइम बॉन्ड जांच इतने दिनों में हो जाएगी? 25 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना छात्रों को 2 दिन बेसिकली बहुत टाइम बॉन्ड करना ज्यादा कठिन हो जाएगा, मगर निश्चित तौर पर हम कहेंगे 15 दिन के अंदर हम लोग एक कॉन्क्रीट रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि हाँ ये इट इज इट विल बी बाई नेम और नॉट। 15 दिन के अंदर कोई इंस्टेंट डिसीजन नहीं ले रहा, मतलब त्वरित कार्रवाई जो होती है इमीडिएट एक्शन वो कुछ नहीं है डिपार्टमेंट। जस्टिस बरीड इज जस्टिस बरीड। But sir,
सर केस वेयर एन एनिमल हैज बीन किल्ड और उसने किसी को नहीं अटैक किया, किसी को नहीं मारा, एक इनोसेंट। हम आपको यही तो कह रहे हैं, देखो हम आपको यही तो कह रहे हैं कि जांच निश्चित तौर पे होगी, केस निश्चित तौर पे जारी होगी या जारी हो चुका होगा अभी तक। अगर मैं इसको देखा नहीं चुकी, मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्वॉल्व था, मैंने ध्यान नहीं दे पाया, बट चूंकि हमारे पास ऐसी कोई आपके चश्मदीद के कोई भी हमको बता दें, किसी से करवा दे, उनके बयान दर्ज करा लेंगे, केस उनके नाम से दर्ज करा देंगे, कोई आप ही बता दें सर इस आदमी चश्मदीद है, हम उस चश्मदीद से हम बयान ले लेंगे। तो वो तो खुद ही कह रहे हैं आईजी, आईजी वीडियो दे दें। एसएसपी लखनऊ इज सेइंग कि मेरे जाबाज अफसर, मेरे एसएचओ ने तेंदुए को मार गिराया है और उसी वीडियो हमको दे दीजिए। तो क्या उस एसएचओ के खिलाफ एफआईआर होगी? उसी का वीडियो हमको दे। सर वो तो लाइव पे जाके, लाइव पे सब कुछ कर रहे हैं ना, बयान दे रहे हैं लाइव पे जाके। सर आप आईजी से बात कर सकते हैं ना, आईजी ने तो 50,000 रुपए दे दिए उसको, और शाम तक सम्मान करके फोटो वायरल कर देंगे प्रेस में। सर कम से कम इन विभागों को इतना सामंजस्य तो होगा कि आपस में बात हो, क्लेरिफिकेशन का वीडियो वो मिलता है आपको, तो ऑन दैट बेसिस क्या इंस्पेक्टर आशियाना के ऊपर एफआईआर लॉज होगी बाय नेम? बेसिकली जो भी उसमें फिलहाल जिम्मेदार है उनके खिलाफ तो एफआईआर लॉज करेंगे, अगर बाय नेम हमको प्रूफ होता है बाय नेम। जब आपका रिपोर्ट आ जाए प्लीज प्रोवाइड अस दैट रिपोर्ट विद व्हिच काइंड ऑफ बुलेट्स यू हैव टू फाइंड इन बॉडी। जो भी इसके बाड़ी से निकलेगा तो आप निर्णय दे सकते हैं, मैं निर्णय देने से पहले जांच करके ही निर्णय। लेकिन पुलिस को मारने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था ना? मारने का अधिकार तो किसी के पास नहीं है, मारने का अधिकार सिर्फ पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ जो होते हैं, जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं, वही उन परिस्थितियों को जांच करने के उपरांत ही वो दे देते हैं कि आप इसको मारने के अलावा और कोई कारण नहीं। इसके अलावा परमिशन नहीं थी फिर भी मारा गया। उसके बाद उपचार किया हमने, दो एक ऑपरेशन देखा है लेपर्ड का, तो पटाखा चॉकलेट बम पटाखा दे देते हैं, दो चार दिन से भंडार के निकल जाते हैं उसको, ट्रायंगुलर कर देना हम देखा है मैंने। आप लोग चॉकलेट बम पटाखा क्यों यूज करते? पटाखा जो आप लोग ऊपर में चढ़े थे, मुझे एक चीज बताइएगा, जो आज हम लोग कह रहे हैं कि पूरे जाल तोड़ के बाहर निकला, हम उसको और टेररिज कर देते जिस समय पे सारी जनता वहां पर मौजूद थी तो तब ना निकलता। सर जनता वहां मौजूद थी, पुलिस आपको पुलिस का कोई सपोर्ट नहीं मिला जनता को हटाने के लिए? नहीं मिला, नहीं उस समय की बात नहीं, तीन दिन तक ऑपरेशन चला, जितने भी दिन चला, तो उसमें क्या पब्लिक थी वहां पे? आपको पुलिस का कोई सपोर्ट नहीं मिला? बेसिकली हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमने यही स्ट्रेटजी बनाया, क्योंकि चूंकि उसके अंदर बहुत सारे सीवेज पाइप रखे हुए थे, करीब 40 से 50 के आसपास सीवेज पाइप रखे हुए थे, ट्रैंकुलाइज करना, यहाँ के जो सीनियर बस चिकित्सक है जिन्होंने कहीं ऑपरेशन कर रखे हैं ट्रैंकुलाइज करके, उनसे हमने विचार विमर्श करने के बाद ये हमने तय किया कि ट्रैंकुलाइज करना यहाँ पर संभव नहीं है, और ना उस समय जिस तरह की जो जिस माहौल में एनिमल खड़ा है वहाँ उचित नहीं है इस कारण। फिर हमने कहा कि सेकेंड हमारा ये था कि प्रायोरिटी हमने दे रखा कि उसको फीड के नाम जरिए से ही हम उसको ट्रैप कर लें, इस कारण से हम लोग तीन डिफरेंट ट्रैपिंग एनक्लोजर्स वहां रखे थे ताकि हम उसको ट्रैप करके निकाल लें। सर इस ऑपरेशन में कितना पैसा खर्चा हो गया तीन दिन में? वो तो अकाउंट करने के बाद ही पता चलेगा, तुरंत आपके ही नॉलेज बताना कठिन हो जाएगा। सर एक सवाल, फ्रॉम द फर्स्ट डे यू आर देयर, आपको लगता है कि जिला पुलिस और वन विभाग अपना अपना ऑपरेशन रेस्क्यू चला रहा था अलग अलग? ऐसा हम लोग आज सवेरे की घटना डिफरेंट है, अदरवाइज बाकी मतलब दो दिन पुलिस ने साथ दिया, तीसरे दिन कहा कि छोड़ो इनको हम मार दे रहे हैं। जांच में अगर कोई भी दोषी मिलेगा उनके खिलाफ हम बस ठीक कर रहे हैं। बेसिक एलिगेशन विल कम, यू नो दैट बेसिकली देयर वाज अ टैकेट अंडरस्टैंडिंग एंड पॉसिबली वाज गिल्ट, सो दैट यू गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम, दैट काइंड ऑफ एन एलिगेशन विल कम अप, दैट इज जजमेंट गिवन बाय यू। एलिगेशन सर कौन जांच करेंगे सर, फिर से एक बार बता दीजिएगा। अयोध्या प्रसाद
अयोध्या जांच कर रहे हैं महकमे में दर्ज करते हैं। सर किन किन धाराओं पे अगर होगा तो 9 51 धारा 2951 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट फिर से बताइए सर 2951 और जांच के दौरान और कोई धाराएं निकल के आ सकती है तो इसमें सजा का क्या प्रावधान। सबसे पहले ये शेड्यूल 1 का एनिमल है, शेड्यूल 1 का एनिमल में 7 साल तक की सजा। Definitely you know that provision very well. This is what police department has been claiming कि हमने self defense माना। It will come out, everything will come out only after. We cannot make any sweeping statement as on date. वहाँ घायल हुए हैं उनको कोई राहत देने के लिए उसको हम जांच करके official figures क्या हैं।